मैम आपके कार ठीक हो चुके हैं। थैंक यू। कितना हुआ तुम्हारा? मैम पैसे की जरूरत नहीं है। अरे क्यों, ये हमारा काम है। अरे रख ले, रख ले, रख ले। अरे मैम मैंने बोला ना मुझे पैसे नहीं चाहिए। एटीट्यूड दिखा रही है लड़की, ज्यादा बड़प्पन मत दिखा। हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं, इसलिए तेरे को पैसे दे रहे हैं, प्लस टिप भी दे रहे हैं। जब भी कट रही है पकड़। आई और हम किसी का ऐसा फ्री में नहीं लेते हैं। मैम आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रही है? बदतमीजी अभी तक तो की नहीं, अब तुझे बताते बदतमीजी होती क्या। अपने आपको तो समझती क्या है, लैंडलॉर्ड है क्या? बदतमीजी अब दिखाते तुझे, बोनट में घुसा के ना तेरी जान ले लूंगी। समझ क्या रही है तू? अबे तेरे को पैसे लेने में ज्यादा शर्म अपन दिखाना चाह रही है, एहसान करना चाहती है कोई हम पे? अबे काम किया पैसे ले। ए, आप लोग इधर कर क्यों रहे हो मेरे साथ? क्या कर रहे हैं हम तेरे साथ? इतना तो अच्छा काम कर रहे हैं तेरे साथ, तुझे तेरी औकात दिखा रहे हैं। दो खड़े की एक तो काम कर रही है, मैकेनिक का ऊपर से भाषण सुना रही नेताओं की तरह। कोई सड़क छाप मकैनिक, अगर तुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है तो इस कड़कती धूप में चंद पैसों के लिए क्यों मर रही है? आई बड़ी हमारा टाइम खोटी मत करो, निकल यहाँ से। मैम ये फोन कितने का है? जानती है कितना महंगा ये फोन है? वो तो मैंने सेकंड हैंड में 40,000 का खरीदा। तेरी औकात है तू खरीद सकती है? अरे दो कड़ी की काम तो करती है मैकेनिक का, सपने देखती है ऐसे आईफोन का। अरे तेरे पूरे खानदान ने कभी देखा होगा फोन? बॉस कर रही है यहाँ पे, क्या जाने फोन महंगा ही रही थी, क्या जाने ये लेबर है। अकड़ दिखा रही है पैसे नहीं लेने, एहसान कर रही है हम पे। मैम मैंने सिर्फ फोन के बारे में तो पूछा, आप मार क्यों रहे हो? क्या करेगी तू फोन का? तेरा जो काम है ना अपना काम पे ध्यान दे, फालतू में ना बातें मत बना। क्या करो तुमने मेरी गाड़ी गंदी कर दी, सारी ग्रीस लगा दी। मैंने तुझे कार ठीक करने के लिए कहा था, तू तो हमारे गले पड़ रही है। तो कड़ी की जरा सा काम था थोड़ी देर का, उसमें एक घंटा लगा दिया। तो हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं और तूने हमारी गाड़ी गंदी कर दी। चल अपनी जीप से ड्रामे कर रही है, मरेगी क्या? सही बोल रही है रजनी, ड्रामे तो देख इसके, ऐसे ड्रामे कर रही है जैसे कितना मार दिया हो इसको, ताकि हमें हमारे ही गले पड़ जाए, है ना? हम ही इसको पैसे दे इस बहाने। इलाज के भी बहुत लग गई है ना इसके, किसी रो रही है ड्रामेबाज। इसे बता ना हम कहाँ जाने वाले हैं इस अनपढ़ जाहिल गवार को। मुझे पता भी है आज हम जिस पार्टी में जा रहे हैं ना वहाँ पे VIP गेस्ट कौन है। मिस प्रीति सिंह का नाम सुना है? नहीं सुना तो गूगल पे सर्च करियो। मिस प्रीति सिंह बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत बड़ी कंपनी की। अरे बिजनेस वुमेन है वो, बिजनेस टाइकून। समझ ही नहीं आ रहा मुझे, लग रहा है पता है इस गवार को क्या पता है? इंटरनेशनल व्यापारी है वो भी, औरत मतलब कि एक लड़की हो के उसने कितना ऊंचा नाम कर लिया। आज दुनिया उनके आर्टिकल्स पढ़ती है, लेक्चर पढ़ती है, गूगल पे नाम सर्च कर उनके बारे में आएगा, उनकी बायोग्राफी आएगी। और तू बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है वो। क्या बोला आपने? टाइकून। क्या नाम बताया? सिंह। अरे ये कुमार, इसे क्या पता होगा? वो भी तो लड़की है, यहाँ पे खड़ी है मैकेनिक का काम करिए, जगह जगह घूम रही है सड़कों पे। अरे शर्म कर, अपने को उसके जैसा बना। इसका तो सपना ही सड़क छाप मैकेनिक बनने का होगा, जब तो मैकेनिक का काम कर रही है। हमारी बातों का ना कोई भी सर्दी गर्मी नहीं हो रही है, देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। इस मुस्कान की चमकान को निकाल यहाँ से, वरना थप्पड़ मार दूंगा तेरे में यहीं पे भी। मैं कितनी भीड़ है, इतना सुनने के बाद भी हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है, हंसी निकल लो मेरी, बड़ी हंसी आ रही है। छोड़ यार, ना गाड़ी तो ठीक हो ही गई है, थोड़ा सा ही आ गया, चल पैदल ही चलते हैं। हटा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों अपनी VIP गेस्ट को छोड़ के? मैं ही हूँ मिस प्रीति सिंह की VIP गेस्ट। खुश हो गए तुम दोनों के? सॉरी मैम, मैम हमने बताया क्यों नहीं, हमने आपकी इतनी बेइज्जती की। कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए मदद किया क्योंकि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। आप लोग परेशान हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा मैं आप दोनों की मदद। और हाँ, हाथ मेरे भी उठ सकते थे बट मेरे नहीं उठे, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है। और हाँ, तुम दोनों खाना खा के जरूर जाना। मैडम मुझे आपके साथ सोना। रामू नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की और ये पैसे फेंकने की? अगर पैसे कम है मुझे आपके साथ सोना है। ये सब क्या है और ये क्या बकवास कर रहा है तू? नरेश कहाँ हो तुम, जल्दी आओ अंदर। मैम मैम ये पैसे छुपा लो, मैम साहब को मत बताना, मैम मैम प्लीज। मैं बताऊँ साहब को, जब ये सब कर रहा था तुझे शर्म नहीं आई, अब तुझे साहब से डर लग रहा है? मैम मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, बस आप ये पैसे छुपा लो। मैम प्लीज प्लीज। चल ठीक है,
छुपा रही हूँ इन पैसों को। हाँ श्वेता, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। और रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ, मुझे चाय दे दो, बना के चाय दे दो। और हाँ, मम्मी भी तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ पहले चाय बनाओ, तुम जाओ निकलो। वैसे क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे तुम मुझे? अरे कुछ नहीं हुआ। और ये क्या सारा बिस्तर तुमने फैला रखा, हट इसे सही कर। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे, मैं करूंगी ना, आप हट जाओ। अरे क्या दिक्कत है, मैं कर दूंगा तो। अरे नहीं नहीं, घर का काम मैं कर लूं। ऑफिस, ऑफिस की तो मेरी आज छुट्टी है। आप ना ऐसा करो, रामू ने चाय बना दी होगी, चाय पी लो। तुम कुछ हड़बड़ाई सी लग रही हो, कोई बात है क्या? हड़बड़ाई? आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो नहीं हड़बड़ा रही। कहीं से तो नहीं छुपा रखे जो मैं नहीं देख सकता? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, जाओ ना, मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, तुम भी आ जाओ जल्दी, नाश्ता भी करना है, ठीक है? अच्छा हुआ नरेश चला गया, देख लेती हूँ, सेब तो है ना। अच्छा हुआ नरेश ने पैसे नहीं देखे, देख लेता तो दिक्कत हो जाती। रामू, ओ रामू। अरे बहन क्या आए, तुम खुद तो काम कर, थोड़ा बहुत काम रामू करता है तो तुम उसे अपने कामों में लगा लेती हो। और ये क्या भूत बनी बैठी हो, आज संडे है, जीजू भी यही है और मैं भी यही हूँ, खाना बना लो। अरे भाई मुझे रामू से कुछ काम था, अभी मैं उठ के सारा काम कर दूंगी। हाँ तुम्हें कुछ काम है, तुम खुद तो काम करती नहीं हो, उसे तो कर लेने दो। यार तू मेरा भाई है या मेरी सास है, जब रामू है घर में वो खाना बनाएगा, मैं बनाऊंगी। दीदी तुम्हें पता है ना, जीजू को तुम्हारा हाथ का खाना अच्छा लगता है, और हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, आज संडे तो कुछ अपने हाथ से बना के वो खुश हो जाए। हाँ भाई मुझे पता है, तेरे जीजू को मेरे हाथ का खाना पसंद है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी, सर में दर्द हो रहा था, इसलिए रामू को आवाज दे रही थी जिसे मेरा सर दबा दे। ठीक है महारानी, तेरी हमेशा तबीयत खराब रहती है, अब हट जा, ये बिस्तर सही कर दो। अरे नहीं नहीं, ये बिस्तर मैं खुद साफ कर लूंगी, पता नहीं तुमको नरेश को क्या हो गया, इस बिस्तर के पीछे पड़ी हो। ऐसा क्या है इस बिस्तर में, कुछ छुपा रही हो? अरे नहीं नहीं, तुमसे क्या छुपाऊंगी और इनसे क्या छुपाऊंगी, ये मेरा परिवार तो है। चलो ठीक है महारानी, उठ जाओ, खाना तो बनाओगे ही, नाश्ता कर लो। पता नहीं आज सबको क्या हो गया, इस बिस्तर के पीछे ही पड़े हैं। रामू और कहाँ रह गया? रामू, रामू, तुम्हारे चक्कर में पता कितनी सुननी पड़ी है, कभी नरेश आता है, कभी मेरा भाई आता है, और हाँ इन पैसों का करना क्या है? अरे मैम साहब ये बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो या नहीं? अपनी औकात में रहो, और ये जो पैसे दे के गए हो अगर किसी को पता चल जाता तो तुम बचते नहीं। अरे मैम साहब अगर ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो ये पैसे क्यों छुपा लिए, मुझे पता है ये पैसे कम है, मेरे पास पैसों की और लो बस एक बार हाँ कर। ठीक है रामू, मैं हाँ करती हूँ, जो तेरे पास पैसे हैं वो मुझे देने पड़ेंगे। अच्छा वैसे इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? तू क्या समझता है मैं इतनी गिरी हुई लड़की हूँ, इन पैसों के लिए मैं अपनी इज्जत दे दूंगी? अभी रुक नरेश। क्या हुआ? इससे क्या पूछो जो तुमने घर में रखा हुआ है, जो इतना विश्वास करते हो, और तुम पूछे थे ना तके के पीछे क्या है, ये पैसे थे, और इससे ये पूछो ये पैसे कहाँ से आए? रामू तुम ये हो क्या रहा है? अरे श्वेता मैं बताता हूँ एक्चुअली यहाँ हुआ क्या था, वो तुम्हारे कजन भाई है ना जो आते जाते रहते हैं, तो रामू को लगा कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे भाई है, असलियत साबित करने के लिए तुम्हारे साथ ये नाटक किया, और रामू को बताया कि तुम्हारी मैम साहब इतनी